जौनपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर रहा हूँ। मेरी कमिश्नरी है। व्यवस्था का तो कोई हाई नहीं है यूपी में। ये जब अपोजिशन में रहते थे तो और सरकारों की कानून व्यवस्था को जंगल व्यवस्था कहते थे, जंगल राज कहते थे। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये डिक्शनरी में खोजें कि जंगल राज से बदतर क्या, मतलब क्या कौन सा राज होगा, वो अपने को खुद संज्ञा दे लें। बहन मायावती जी के शासनकाल में जो चोर बदमाश गुंडे डकैत थे, जब उन्होंने कार्रवाई करना शुरू किया तो खुद छोड़ करके भाग गए यूपी। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मगर छोड़ के भाग जाओ, लेकिन कोई छोड़ के भाग नहीं रहा है। आप लोग मेरी बात या किसी की भी बात को जन जन तक, दूर दूर तक पहुँचाने वाले लोग हो, तो आज आने का ये मतलब है कि आज आपसे मुखातिब होने की शुरुआत है। आज का आने का मकसद मेरा ये है, और भविष्य में भी वैसा मैंने बताया कि इसी तरह से हर डेढ़ दो तीन महीने पर जब भी सुविधाजनक होगा आप लोगों के साथ आकर के बैठ करके, और न केवल जौनपुर की बल्कि बनारस की और प्रदेश की भी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, अपना भी कुछ सुझाव देंगे, आप लोगों का भी कुछ सुझाव लेंगे। और सर, आप बसपा सांसद हैं, बात की जाए इस समय महामारी कोरोना चल रही है, कोरोना के इलाज किस तरह से हो पा रहे हैं, सरकार कितनी सार्थक है कोरोना के रोकने में? देखिए, कोरोना तो महामारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और एक निश्चित रूप से प्लान करके हम लोग इस पर विजय पा सकते हैं और विजय पाएंगे। लेकिन अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने एक लॉकडाउन घोषित कर दिया। जो मजदूर, जो आदमी, रिश्तेदार कहीं जहाँ जहाँ भी दूर तक फंसे थे, वे फंसे कि फंसे रह गए, और इतनी बदतर स्थिति हुई जब वो खाने बगैर मरने लगे तो पैदल ही, चाहे छाले पड़े हों, चाहे भूखे हों, चाहे प्यासे हों, वो अपने घरों की तरह चल पड़े। वो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार का बहुत ही निहायत एक गलत निर्णय था। आप सोचिए कि अगर 5 दिन का या 10 दिन का टाइम अनाउंस करके दे दिया गया होता कि लॉकडाउन 10 दिन बाद लगेगा, जिसको जहाँ जाना हो वो अपने घर जाए, तो कितने सुरक्षित ढंग से, कितने व्यवस्थित ढंग से हर आदमी देश के किसी किसी भी कोने में है वो अपने घर पहुंच गया होता। क्या ऐसा कारण था? कोई तो नुकसान नहीं हो रहा था? नोटबंदी की तरह जैसे एकाएक नोटबंदी की घोषणा कर दी, तो एकाएक लॉकडाउन की घोषणा करना, जनता को जो तकलीफ मिली, जो दुख दर्द मिला और जो कष्ट हुआ, और उस कष्ट से सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बड़ी किरकिरी हुई, और बहुत ज़्यादा कई कई सौ करोड़ों में पैसा भी खर्च हुआ, सब कुछ एक सही निर्णय से बचाया जा सकता था। वो कोरोना को लेकर के जो एकाएक लॉकडाउन किया वो बहुत ही गलत है। मौजूदा बात की जाए, जौनपुर में भी कोरोना बढ़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, बनारस में आपके पड़ोसी जनपद, ऐसे में सरकार दावे कर रही है कि व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है, व्यवस्था किस तरह की दिख रही है सांसद जी आपको, अपने संसदीय क्षेत्र से लगायक वाराणसी जो पड़ोसी जनपद है, संतुष्ट है उस व्यवस्था से? देखिए, संतुष्ट तो नहीं है, और व्यवस्था जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। जो अभी आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि हर जगह इतना राशन पहुंच रहा है, हर जगह ये पहुंच रहा है, वो इतने किलो आटा दे रहे हैं, इतने चावल दे रहे हैं, ये दे, माफ़ करिएगा, हर जगह नहीं पहुंच रहा है। कोरोना मरीजों लेकिन के इलाज के बारे में बात की जाए तो इस समय कोरोना मरीजों का इलाज किस नज़रिए से देख रहे हैं, संतुष्ट हैं इलाज से? देखिए, इलाज में ये तो मैं कहूँगा कि कोशिश की जा रही है, नए नए क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, नए नए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन इतनी बढ़ी जा रही है, तो उससे कदम से कदम मिला करके चलना होगा। हालांकि
हमारे रिसोर्सेज थोड़ा तंग हैं, आर्थिक रूप से हम थोड़ा कमज़ोर हैं, लेकिन कोशिश तो की जा रही है। लेकिन कोशिश अगर उसको एक तारतम्य ढंग से की जाए और सिस्टमेटिक ढंग से की जाए तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट और ज़्यादा होगा।